छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं के जितने भी स्टूडेंट हैं दोस्तों, जिनकी जो परीक्षा है 14 तारीख को गुरुवार को दोस्तों केमिस्ट्री की परीक्षा होनी है, उन सभी के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री की परीक्षा के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए, जहाँ पर दोस्तों एक नंबर वाले प्रश्न से लेकर के 5 नंबर वाले सारे प्रश्नों के जो क्वेश्चन है ये बनाए गए हैं। और ये सारे जो क्वेश्चन दोस्तों हमारे विषय विशेषज्ञों के निगरानी में और उनके दोस्तों एक्सपीरियंस से बनाए गए हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चंस के इन क्वेश्चंस की मैं बता रहा हूँ आने के 100% चांसेस हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ये सारे क्वेश्चंस हमने बना लिए हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले दोस्तों सेक्शन ए स्टार्ट होता है, जिसपे एक नंबर वाले प्रश्न होते हैं। इसमें 5 प्रश्न होते हैं, जिसमें मोनोसैकेराइड क्या है एक उदाहरण दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोयले की खदानों में काम करने वाले गैस मास्क में सक्रिय चारकोल का उपयोग करते हैं क्यों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस अभिक्रिया का क्या नाम है ये आपको बताना है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे ये इसका दोस्तों ये जो IUPAC का नाम लिखना है कंपाउंड का, टोलन अभिकर्मक किसे कहते हैं। या दोस्तों इसको चेंज करके भी पूछ सकते हैं आपको, क्या होता है जब एसिटाल्डिहाइड टोलन अभिकर्मक से क्रिया करता है। ये दोनों में से कोई एक तरीके के पैटर्न से आपको पूछ सकता है, जैसे कि इसके या फिर इससे, ठीक है। तो इसलिए अथवा में डाल करके लिखा हूँ मैं क्वेश्चन को। सेक्शन बी स्टार्ट होता है, जिसपे दोस्तों अब 2 नंबर वाले प्रश्न हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देख करके रखा हुआ है, ये 2 नंबर का सॉल्व करना रहता है, बहुत ईजी है, 5-6 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। किसी अभिक्रिया की अणुसंख्यता से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन दोस्तों आने के आपके परीक्षा में 100% चांसेस है। तो वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा और आपके भाई बहनों दोस्तों से शेयर करिएगा। समुद्री गोताखोर दोस्तों गहरे समुद्र में श्वसन के लिए या सांस लेने के लिए नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के स्थान पर हीलियम तथा ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग क्यों करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें प्राथमिक एमीन के कार्बिल एमीन परीक्षण को रासायनिक समीकरण सहित लिखे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ पे दोस्तों एनिलीन जल में अविलेय है लेकिन HCl में विलेय है क्यों, IMP क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन सेक्शन नंबर 3, जिसपे दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर वाले प्रश्न आएंगे, जिसमें देख पा रहे हैं सबसे 11वां नंबर है, जहाँ पे राउल्ट का नियम लिखना है, इसका गणितीय व्यंजक ज्ञात करना है, या फिर इसके जगह पे दोस्तों हेनरी का नियम तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में, ठीक है, अभी जो 14 तारीख को गुरुवार को होगी। क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्थ अर्ध आयुकाल अभिकारक के प्रथम के यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें कोलाइडी विलयन के किस गुण के प्रभाव से दोस्तों आकाश तथा समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है, इस प्रभाव का नाम लिखिए तथा समझाइए, IMP क्वेश्चन है। या इसको ऐसा भी पूछ सकते हो, टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, चित्र देकर के समझाना है। दोनों में से कोई एक तरीके से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है 2024 की परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें केवल समीकरण लिखना है, लेथ होते को गर्म किया जाता है, सिल्वर नाइट्राइड को गर्म किया जाता है, तांबा गर्म व सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, इसका आपको रिएक्शन लिखना है। वे समूह के तत्व, क्वेश्चन नंबर 15, वे समूह के तत्वों के निम्नलिखित गुणों की व्याख्यान कीजिए, ठीक है, जिसमें अब क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें देख पा रहे हैं दोस्तों ऑक्सीजन अपने 16वें समूह के अन्य तत्वों से असमान व्यवहार प्रदर्शित करता है क्यों, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। यहाँ पे जो निम्नलिखित जो यौगिक हैं उनके IUPAC नियम लिखना, ये उप सब संयोजक यौगिक है दोस्तों, यहाँ पे लिखना भूल गया है, उप सह संयोजक या कोऑर्डिनेशनल कंपाउंड का दोस्तों यहाँ पे आपको IUPAC नियम लिखना है। तो ये 3 IUPAC नियम लिखने के लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में, जिसमें देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18A में मार्कोनिकोफ का नियम को समझाना है, ठीक है, और DDT कैसे बनता है और इसका एक उपयोग लिखना है। देखिए मार्कोनिकोफ एंटी मार्कोनिकोफ या फिर उसको खरास प्रभावी के नाम से जानते हैं, दोनों IMP है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें अ है दोस्तों, इसमें फर्स्ट है, जिसमें प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल में विभेद लुकास अभिकर्मक द्वारा कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है 3 नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें दोस्तों फर्स्ट अंडे को उबालने पर दोस्तों में उसमें उपस्थित जल कहाँ चला जाता है, या इसको बोलते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण भी कहा जाता है, दोनों में से एक आ सकता है, ज्यूटेराइन क्या है समझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 देख पा रहे हैं, जिसमें टोलिन की विधि गुण तथा उपयोग का वर्णन करना है, IMP क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, एंटीबायोटिक क्या है, किन्हीं से एंटीबायोटिक्स के सेपरेशन का नाम लिखना है, ना किन्हीं दो एंटीबायोटिक के सेपरेशन का नाम लिखना है, एम्पीसिलिन और
आप लिख सकते हैं एमोक्सिसिलिन, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। सेक्शन डी जिसमें दोस्तों 4 नंबर वाले प्रश्न आते हैं, जिसमें देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 23 है, जिसमें निम्नलिखित को समझाना है, इकाई कोशिका, समन्वय संख्या, सहसंयोजक क्रिस्टल और एक है आणविक क्रिस्टल। एक एक नंबर के लिए चार्ट तो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, या अथवा दोस्तों 4 नंबर से लेकर के आगे जितने भी क्वेश्चन वाले जो होते हैं वो अथवा आता है। शॉर्ट की टूटी और फ्रैंकलिन टूटी आपको बताना है पूरे डिटेल में विथ डायग्राम के साथ में, ठीक है। सेक्शन नंबर ई जिसपे दोस्तों 5 नंबर वाले प्रश्न आते हैं, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं कोलरॉस के नियम का अनुप्रयोग है ना, दुर्बल विद्युत आपृतियों की अंततः तंतुता पर तुल्यांक चालकता या आणविक चालकता का निर्धारण आईएमपी क्वेश्चन है। इस अभिक्रिया का दोस्तों आपको ये अभिक्रिया में ऑक्सीकारक एवं चायक बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका अथवा है ये जिसमें विद्युत अपघटनी सेल क्या है तथा ये किस प्रकार से कार्य करता है, ठीक है। और दूसरा इसमें है दोस्तों किसी विद्युत रासायनिक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, आईएमपी क्वेश्चन। विशिष्ट चालकता क्या है, इसका सी है विशिष्ट चालकता, और इसकी इकाई बताना है अथवा पे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देख पा रहे हैं, जिसमें लैंथेनाइड संकुचन क्या है और लैक्टेनाइड संकुचन के कारण तथा उसके परिणाम क्या है बताना है आपको। कॉपर CU प्लस रंगीन है परंतु CU2 प्लस रंगीन, देखिए CU प्लस जो है रंगहीन है परंतु CU2 प्लस जो है रंगीन है, क्यों बताना है। इसका सी है डी स्पर्श, जो डी स्पीसीज में दोस्तों Cr2 प्लस प्रबल अपचायक है जबकि मैंगनीज 3rd प्रबल ऑक्सीकारक है, ऐसा क्यों है आपको बताना है। इसका अथवा दोस्तों Fe2 प्लस व Fe प्लस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके तथा ये इनके कौन से अधिक अनुचुंबकीय है बताना है। इसका बी है संक्रमण धातु के निम्न ऑक्साइड क्षारी है, क्यों, संक्रमण तत्व क्या है और इसके गुणों को समझाना है आपको, ठीक है। अब इसका यहाँ पर इसका देख पा रहे हैं आप लोग, इसका अथवा वाला जो क्वेश्चन है, सॉरी इसका जो और है जिसमें प्रतिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था एवं परिवर्ती संयोजकता क्या है, इसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना, ये समझाइएगा। तो 2 है इस पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरण को देखकर स्पष्ट करना है, जिसमें परकिन अभिक्रिया, फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखिए दोस्तों जो नेमिंग रिएक्शन मैंने पिछले वीडियो में आपको भी बताया था, जो नेमिंग रिएक्शन होता है ये इतने सारे नेमिंग रिएक्शन है, देख पा रहे हैं, कोई भी आपको नहीं बता सकता परफेक्ट कि कौन सा नेमिंग रिएक्शन आएगा। इसलिए मैंने पिछले 6 साल के क्वेश्चन पेपर में जितने भी नेमिंग रिएक्शन आए थे उन सभी को इसमें इंक्लूड किया है। इसमें से डेफिनेटली दोस्तों आपके 5 नंबर के 5 नेमिंग रिएक्शन पूछे जाएंगे, तो इन जितने भी नेमिंग रिएक्शन जो आप डिस्प्ले में देख पा रहे हैं इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। इसका अथवा वाला क्वेश्चन ये है जिसपे रूपांतरण आपको करना होगा, समीकरण खाली लिख रहे हैं तो इस प्रकार से है। सो बस इसमें इतना था, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, धन्यवाद।